जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली आज डोडा में होगी। डोडा स्टेडियम में होने वाली रैली के मद्देनजर पूरा स्टेडियम परिसर सील कर दिया गया है। आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूँ मीनू वर्मा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से आज सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई। बता दें कि सेना के जवानों ने मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया है। एक दिन पहले ही किश्तवाड़ा में सेना को अपने 2 जवानों की शहादत देनी पड़ी थी। 24 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना ने इस वारदात का मुंहतोड़ बदला दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, 2 आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह की आतंकी गतिविधियां अभी इसलिए भी अहम है और चिंताजनक है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर हैं और आज वो खुद केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वह डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में चुनाव जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव ऐलान के बाद केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री की यह पहली रैली होगी। बता दें कि वह इसके बाद 19 सितंबर को श्रीनगर भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज ने बताया है कि डोडा में आखिरी बार देश का कोई भी प्रधानमंत्री 1982 में गया था और उसके बाद आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण में बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिले में 1 अक्टूबर 2024 को वोट डाले जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल। शुक्रिया।